एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि साबा को योशिडा और बाकी सबके साथ सॉकर खेल रही होती है और अब बॉल साबाको के पास आता है और अब साबाको बॉल को किक करने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर कुरुमी साबाको को आवाज देती है, जिस पर साबाको बॉल को किक करना छोड़कर वहां पर कुरुमी को हाई करने लगती है। यह देखकर वहां पर योशिडा और यानो को काफी अजीब लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्लास में योशिडा साबाको को अपना गेम प्लान समझा रही होती है और तभी वहां पर दोबारा कुरुमी आ जाती है और साबाको को बुलाने लगती है। अब यह देखकर वहां पर यानो और योशिडा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद योशिडा साबाको को सॉकर के बारे में और भी कुछ बता रही होती है और तभी वहां पर कुरुमी दोबारा साबाको को आवाज लगाती है और उसे बाय करती है। अब साबाको यानो और योशिडा पर से ध्यान हटाकर कुरुमी को बाय करने लगती है। यह देखकर वहां पर योशिडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब यानो बोलती है, तो योशिडा क्या तुम्हें कुरुमी बिल्कुल भी पसंद नहीं? योशिडा बोलती है, यह बात तुम्हें कैसे पता है? यानो बोलती है, तुम्हें समझना काफी ज्यादा आसान है। वहीं साबाको अभी भी कुरुमी को बाय कर रही होती है। यह देखकर योशिडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि साबाको कुरुमी की हमसे ज्यादा अच्छी दोस्त बनती जा रही है, जिस पर यानो उसे शांत करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रात को साबाको अपने घर पर सोच रही होती है कि आज उसने अपना एक नया दोस्त बनाया है। वहीं वह कुरुमी के बारे में सोच कर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन साबाको स्कूल में सोच रही होती है कि कुरुमी का उसका दोस्त बनना उसके लिए काफी बड़ी बात है और तभी वहां पर साबाको की इरेजर नीचे गिर जाती है, जो साबाको और काजाया एक साथ उठाने के लिए जाते हैं और अब वह दोनों वहां पर एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं और अब वह दोनों काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। वहीं पर साबाको सोच रही होती है कि आजकल उसे काजाया से बात करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वह हमेशा काजाया के सामने नर्वस हो जाती है और तभी वहां पर कुरुमी आकर काजाया को बुलाती है। अब काजाया कुरुमी के पास जाता है। अब कुरुमी काजाया को एक प्रिंटआउट देती है और बोलती है कि कमिटी मीटिंग में मुझे यह प्रिंटआउट तुम तक डिलीवर करने के लिए कहा गया है। वहीं कुरुमी को देखकर साबाको काफी ज्यादा खुश होती है और सोच रही होती है कि कुरुमी सच में काफी ज्यादा क्यूट है और तभी कुरुमी वहां पर साबाको को हाई करती है और तभी काजाया साबाको की ओर देखता है, जिस पर साबाको काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और अपनी नजर छुपाने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि साबाको कुछ प्रिंटआउट्स लेकर जा रही होती है और तभी पीछे से आकर कुरुमी उसे डरा देती है, जिससे वह प्रिंटआउट्स नीचे गिरने लगते हैं पर कुरुमी उसे गिरने से बचा लेती है। साबाको कुरुमी को थैंक्स करती है। कुरुमी बोलती है, नहीं, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो तुम्हें थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं। अब वहां पर साबाको कुरुमी को कुरुमी चांद कहकर बुलाती है और सोचने लगती है कि कहीं कुरुमी को इससे बुरा न लगे, पर कुरुमी बोलती है, आज तुमने पहली बार मुझे इस नाम से बुलाया है तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और अब यह सुनकर वहां पर साबाको भी काफी ज्यादा खुश होती है और अब साबाको सोचने लगती है कि काश वह भी कुरुमी की तरह बन पाती और अब साबाको खुद को कुरुमी की जगह रखकर देखने लगती है और तभी कुरुमी साबाको को आवाज लगाती है और बोलती है, साबाको क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? अगर तुम्हें किसी बात को लेकर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। साबाको बोलती है, नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी कुरुमी बोलती है, तो फिर तुम मुझसे कोई एडवाइस ले सकती हो। अब यह सुनकर साबाको सोचने लगती है कि उसकी रोल मॉडल उसे एडवाइस देना चाहती है, यह उसके लिए काफी खुशी की बात है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुरुमी और साबाको ग्राउंड में एक जगह पर बैठे होते हैं और साबाको कुरुमी को बताती है कि उसे काजाया से बात करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जबकि काजाया बाकी लड़कियों से बड़े ही आराम से बात कर लेता है। यह सुनकर कुरुमी बोलती है, तो तुम्हारी यह प्रॉब्लम है। मैं काजाया को मिडिल स्कूल से जानती हूँ और जब उसके क्लास में किसी पर्सन को उसके क्लासमेट अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं तो काजाया उस पर्सन पर खास ध्यान देता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है और मेरे ख्याल से वह तुम्हें भी ऐसे ही ट्रीट कर रहा होगा। साबाको बोलती है, हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अब कुरुमी बोलती है, वह तुमसे इसीलिए बात नहीं करता क्योंकि तुम कोई स्पेशल पर्सन हो, वह बस तुम्हारी यहाँ पर मदद करना चाहता है, तो फिर तुम्हें उसके साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए। साबाको बोलती है कि अब वह सब कुछ समझ गई है। वहीं कुरुमी को इन बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब कुरुमी बोलती है, मेरे ख्याल से तुम दोनों काफी अलग पर्सन हो, तुम दोनों की पर्सनैलिटी काफी अलग है, इसी वजह से तुम दोनों को एक दूसरे से बात करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जबकि बाकी लोग काजाया से बड़े ही आराम से बात कर पाते हैं और मेरे ख्याल से वह पर्सन एक दूसरे के साथ अच्छे मैच कर पाते हैं जिनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफी हद तक मिलती है। यह सुनकर साबाको बोलती है, तो क्या इसी वजह से तुम दोनों एक साथ इतने अच्छे लगते हो? अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। यह सुनकर कुरुमी काफी खुश होती है और बोलती है, हाँ, शायद, क्योंकि हम दोनों में काफी सारी चीजें सिमिलर है।
अब साबा को सोचने लगती है। काजेहाया कुरुमी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है। वह दोनों सच में काफी ज्यादा क्लोज है। यह सुनकर कुरुमी बोलते हैं, नहीं नहीं हम बस दोस्त है। तभी साबा को बोलती है, तो क्या तुम बस दोस्त हो? और अब यह सुनकर वहाँ पर कुरुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब कुरुमी उन दोनों को अपने अपने क्लास में चलने के लिए बोलती है। वहीं रास्ते में साबा को सोच रही होती है कि उन दोनों की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा अलग है, इसी वजह से उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में इतनी प्रॉब्लम आती है। तभी साबा को रास्ते में रुकती है और कुरुमी को थैंक्स करते हुए बोलती है कि उससे बात करने के बाद अब साबाको को सब कुछ समझ में आ चुका है और उसे अच्छा फील हो रहा है और अब वह काफी ज्यादा मोटिवेट हो गई है और अब वह अपनी पर्सनैलिटी भी काजेहाया की तरह बनाने की कोशिश करेगी, जिसके बाद उसे और काजेहाया को एक दूसरे से बात करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह सुनकर वहाँ पर कुरुमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका यहाँ पर पूरा प्लान बेकार हो चुका होता है। अब साबा को वहाँ से जाने लगती है, तभी कुरुमी उसे रोकती है। अब साबा को बोलती है, तुमने मेरी आज काफ़ी ज़्यादा मदद की है और अगर मुझे दोबारा तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे दोबारा एडवाइस लूँगी। यह सुनकर वहाँ पर कुरुमी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अब साबा को वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर यानो और योशिडा खड़े होते हैं और अब यानो योशिडा से कुरुमी के बारे में पूछती है, जिस पर योशिडा उसे बताती है कि वह दोनों मिडिल स्कूल में एक ही क्लास में थे और एक दिन कुरुमी एक लड़की को लेकर योशिडा के पास आई और उसने उससे कहा कि वह लड़की काजेहाया से प्यार करती है, तो क्या योशिडा उस लड़की की बात काजेहाया से करवा सकती है? इस पर योशिडा ने हाँ कर दी थी और वह उस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो गई थी, पर काजेहाया ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। और उस दिन के बाद से कुरुमी रोज रोज किसी न किसी लड़की को ले आकर योशिडा को उसकी काजेहाया से बात करवाने के लिए कहा करती थी और अब वहाँ पर स्कूल की सभी लड़कियाँ चाहती थी कि योशिडा उन सभी की बात काजेहाया से करवाए और अब योशिडा उन सभी को मना भी नहीं कर सकती थी, पर बार बार ऐसा करने की वजह से काजेहाया योशिडा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके बाद गुस्से में योशिडा ने आकर उन सभी लड़कियों को इस बारे में मना कर दिया था। और उस दिन के बाद से वह सभी लड़कियाँ योशिडा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और फिर उन सभी ने योशिडा को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। इस बात का फायदा उठाते हुए कुरुमी उन सभी के नज़र में अच्छी बन गई और कुरुमी ने मिडिल स्कूल में योशिडा को एक साइड करके वह सभी लड़कियों की सिंपैथी लेते हुए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, जिस वजह से योशिडा को कुरुमी बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब प्रेजेंट टाइम में योशिडा यानो को बताती है कि कुरुमी काफ़ी ज़्यादा अजीब है और वह कोई भी काम अपने बिना फायदे के नहीं करती है और इस वक्त वह यह सोचकर परेशान है कि न जाने इस बार कुरुमी क्या करना चाहती है। तभी यानो बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें बस यह देखना है कि इस बार कुरुमी का प्लान काम करता है या नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि काजेहाया ग्राउंड में बेसबॉल खेल रहा होता है और अब वह वहाँ पर सभी के लिए जूस खरीदने के लिए जाता है। वहीं रास्ते में साबा को फूलों में पानी डाल रही होती है और वह कुरुमी के बताए हुए बातों को पॉजिटिव वे में याद कर रही होती है और तभी वहाँ से काजेहाया गुजर रहा होता है और अब वह साबाको को देख कर वहाँ पर रुक जाता है और तभी काजेहाया के मुंह से निकल जाता है कि पता नहीं क्यों वह साबाको के सामने इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो जाता है। यह सुनकर वहाँ पर साबाको को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह सोचने लगती है कि काजेहाया उसके सामने नर्वस फील क्यों करता है। अब काजेहाया बोलता है कि उन्हें बात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब यह बोलकर वहाँ पर काजेहाया शर्मा जाता है। यह देखकर साबाको सोचने लगती है कि काजेहाया भी वैसा ही फील करता है जैसा साबाको फील करती है। अब वहाँ पर साबाको को खुश देखकर काजेहाया भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अब काजेहाया साबाको से मारू के बारे में बात करने लगता है और अब काजेहाया साबाको को मारू से मिलने आने के लिए कहता है। वहीं वह दोनों और भी कई सारी बातें करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तभी एक खिड़की से कुरुमी उन दोनों को एक साथ देख लेती है और अब वह साबाको को आवाज़ लगाती है और अब कुरुमी को देखकर काजेहाया उसे कुरुमी जावा बोलता है। यह सुनकर साबाको को कुछ अजीब लगता है और अब साबाको काजेहाया से पूछती है कि उसने उसे कुरुमी जावा क्यों कहा, जिस पर काजेहाया उसे बताता है कि कुरुमी का पूरा नाम कुरुमी जावा उमे है। यह सुनकर साबाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सोचने लगती है कि उस दिन काजेहाया ने कुरुमी को उसके फर्स्ट नेम से नहीं बुलाया था, बल्कि वह उसे उसके निकनेम से बुला रहा था क्योंकि कुरुमी का फर्स्ट नेम उमे है। और तभी कुरुमी काजेहाया से बोलती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो कुरुमी साबाको से अकेले में कुछ देर बात करना चाहती है। यह सुनकर साबाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं पर काजेहाया सोचने लगता है कि जब भी वह साबाको से अच्छी तरीके से बात कर रहा होता है कोई ना कोई बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुरुमी और साबाको एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। वहीं साबाको सोच रही होती है कि कुरुमी उससे किस बारे में बात करना चाहती है और वह उसे कहाँ लेकर जा रही है। और तभी वहाँ पर साबाको कुरुमी को उसके फर्स्ट नेम उमे चान कहकर बुलाती है
जो सुनकर वहाँ पर कुरुमी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ। अब कुरुमी का यह रूप देखकर सावा को काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब कुरुमी उसे बोलती है कि वह उसे कुरुमी ही बुलाए। वहीं कुरुमी अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, पर अब कुरुमी दोबारा नाइज एक्ट करते हुए बोलती है कि वह किसी को पसंद करती है और उसे नहीं पता कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो वह यह बात सावाको से पूछना चाहती है। अब यह सुनकर सावाको काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब कुरुमी बोलती है अगर सावाको चाहे तो वह उसकी मदद कर सकती है और उस पर्सन से कुरुमी की बात करवा सकती है। सावाको बोलती है कि वह उसकी मदद जरूर करेगी, पर अगर सावाको को देखकर वह पर्सन डर गया तब क्या होगा। कुरुमी बोलती है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम उस पर्सन को अच्छी तरीके से जानती हो। यह सुनकर सावाको काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और अब कुरुमी उसे बताती है कि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि काज़ेहाया है और वह काज़ेहाया को पसंद करती है। और अब यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।